नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा 8 बजे का पावर पैक बुलेटिन, नाम है बुलेट बुलेटिन। देश दुनिया की हर बड़ी खबर फटाफट अंदाज में, कोई खबर नहीं छूटेगी। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं राजनीति की 10 बड़ी खबरों से, पॉलिटिक्स टॉप 10। संसद में हंगामा करने वाले 7 सांसदों को लोकसभा से बर्खास्त करने के मुद्दे पर समिति का गठन होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी। इस समिति में सभी दलों के सदस्य शामिल होंगे। यह समिति लोकसभा से निलंबित किए गए 7 सांसदों में स्पीकर की टेबल से कागज उठाकर पढ़ने वाले सांसदों को लोकसभा से बर्खास्त करने पर विचार करेगी। संसदीय परंपरा के उल्लंघन के आरोप में कल कांग्रेस के 7 सांसदों को बचे हुए सत्र के लिए लोकसभा से निलंबित कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय एक समिति का गठन करेंगे जो दिनांक 2 मार्च 2020 से 5 मार्च 2020 तक सदन में घटी सभी घटनाओं की जांच करेगी और रिपोर्ट देगी। समिति के अध्यक्ष या माननीय अध्यक्ष जी स्वयं, अध्यक्ष महोदय स्वयं करेंगे तथा एक इस समिति में लगभग सभी दलों के प्रतिनिधियों का समावेश होगा। इधर सदन में हंगामा करने वाले 7 सांसदों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस ने संसद परिसर में धरना दिया। इस दौरान राहुल गांधी ने काली पट्टी बांधकर सांसदों के सस्पेंशन पर विरोध जताया। लोकसभा में आज भी कांग्रेस सांसदों ने जमकर हंगामा काटा। हंगामे के दौरान राहुल गांधी संसद में मौजूद रहे। हंगामे को देखते हुए लोकसभा और राज्यसभा 11 मार्च 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सांसदों के बुरे बर्ताव से नाराज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि पहले वो सदन की मर्यादा बनाएं और तय करें कि सदन सुचारू रूप से कैसे चलेगा, उसके बाद ही वो सदन में आएंगे। ओम बिरला पिछले 4 दिन से लोकसभा में नहीं आ रहे हैं। यस बैंक संकट पर अब जमकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस संकट के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया तो जवाबी कार्रवाई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उतर आईं। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के राज में चाचा भतीजे को कर्ज देने से हमारे बैंकों की हालत खराब हुई। अब इसे सुधारने के लिए मोदी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने इससे पहले ट्वीट के जरिए कहा था कि मोदी सरकार ने देश की इकोनॉमी को बर्बाद किया है। सुधार करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? 2014 तक यूपीए के सरकार के द्वारा फोन के द्वारा लोन उनको चाचा भतीजा का देने का कार्यक्रम जो हुआ उसके कारण आज तक हमारे बैंकों का सुधार करने का मेहनत हो रही है और वो उस मेहनत के कारण आज सुधार भी हो रही है। इसलिए ऑपोजिशन इस विषय में कूद पड़ करके बात करने का कोई अधिकार नहीं। दिल्ली में हुए दंगों के दौरान आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी ताहिर हुसैन को दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। ताहिर हुसैन को दिल्ली पुलिस ने कल ही उसे गिरफ्तार किया था। ताहिर हुसैन पर आरोप है कि उसने दिल्ली में 24 और 25 फरवरी के दौरान हुए दंगों में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या की है। ताहिर हुसैन पर जब से यह आरोप लगा तब से वो फरार हो गया था। ताहिर हुसैन के घर से दंगों से जुड़ी तमाम सामग्री है वो बरामद हुई है। उसकी छत से पेट्रोल बम, पत्थर, गुलेल मिले। ताहिर हुसैन को पुलिस रिमांड के बाद नए खुलासे होने की उम्मीद है। दिल्ली हिंसा में भजनपुरा के मोहन नरसिंह होम का एक वीडियो सामने। 20 फरवरी को वीडियो में नरसिंह होम पर दंगाई चढ़ गए और छतों से पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि घायल डीसीपी अमित शर्मा को देखकर दंगाई नरसिंह होम में घुस गए। 24 फरवरी को दिल्ली के चांदबाग इलाके का भी एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दंगाइयों को सीसीटीवी कैमरे को तोड़ते हुए देखा जा सकता है। पुलिस वीडियो की जांच में जुटी है। दूसरी ओर दिल्ली हिंसा को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकारी अस्पतालों को शवों की शिनाख्त न हो पाने पर उनका अंतिम संस्कार 11 मार्च तक नहीं किया जाए। डीएनए परीक्षण के लिए नमूना संरक्षित किया जाए। सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर के खिलाफ लोगों को हिंसा के लिए भड़काने और कोर्ट के बारे में अवमानना भरी बातें कहने के मामले में सुनवाई आज टल गई। मंदर को फिलहाल अब भारत में न होने के आधार पर सुनवाई डालते हुए कोर्ट ने 15 अप्रैल की अगली तारीख दी है। आज दिल्ली पुलिस ने मंदर के एक और भाषण का हवाला देते हुए कोर्ट में हलफनामा दायर किया। कोर्ट ने मंदर को दोनों भाषणों का जवाब देने को कहा है। 4 मार्च को हुई पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने मंदर पर आरोप लगाया था कि उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे लोगों को हिंसा के लिए उकसाया। पुलिस की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि मंदर ने लोगों से कहा कि संसद और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करना बेकार है, उन्हें इंसाफ पाने के लिए सड़क पर उतरना होगा। 4 मार्च को मंदर की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें उन्होंने दिल्ली दंगों से पहले भड़काऊ बयान देने वाले बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई की मांग की थी।
लखनऊ में सीए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों के पोस्टर लखनऊ के चौराहे पर लगाए हैं। इन पर प्रदर्शन की आड़ में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। इनमें से कई आरोपियों को संपत्ति के नुकसान की वसूली का नोटिस दिया जा चुका है। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे के अलावा इस तरह के कई पोस्टर शहर के दूसरे इलाकों में 57 आरोपियों के पोस्टर लगाए गए हैं। लखनऊ के चौराहे पर 100 से ज्यादा ऐसी होर्डिंग्स लगाई गई हैं। इन होर्डिंग्स के जरिए 1,55,62,537 रुपए की रिकवरी का आदेश जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2 से ज्यादा संतान वाले व्यक्ति के लिए कड़े नियम बनाने जा रही है। ऐसे लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं मिलेगी। साथ ही सामाजिक कल्याण योजनाओं के फायदे से भी हाथ धोना पड़ सकता है। यूपी सरकार एक नई जनसंख्या नीति बना रही है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह के मुताबिक नई नीति की घोषणा जल्द हो सकती है। इससे पहले साल 2000 में जनसंख्या नीति की समीक्षा की गई थी। नई नीति बनाने के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाई गई है। समिति के सदस्य के मुताबिक दक्षिण भारत के राज्य जनसंख्या नियंत्रण करने में सफल हो रहे हैं। सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल मुश्किल में पड़ सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने अहमद पटेल को पार्टी में वित्तीय लेनदेन से जुड़े टैक्स चोरी की जांच के सिलसिले में तलब किया है। आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी को समन भेजने के बाद कोषाध्यक्ष अहमद पटेल को अघोषित पार्टी कलेक्शन और चुनावी खर्चों के लिए 550 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि के लिए नोटिस भेजा है। अहमद पटेल भारत के वरिष्ठ सदन राज्यसभा के सदस्य और जो ऊपरी सदन है राज्यसभा उसके सदस्य हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। ये 2001 से कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार हैं। कोरोना वायरस के देश में मामले पाए जाने के बाद मास्क की किल्लत और महंगे मास्क की ढेरों शिकायतें आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कहा कि कोरोना वायरस को लेकर लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने उनके दुकानदारों को भी उन चेतावनी दी है जो लोग मास्क की तय कीमत से ज्यादा पैसे लोगों से ले रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मास्क की तय कीमत से ज्यादा कीमत वसूलने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर सभी मंत्रालयों विभागों और को कहा कि वे अपने कर्मचारियों को 31 मार्च 2020 तक आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली से अटेंडेंस करने के लिए छूट दें। सरकार ने हालांकि ये भी कहा कि सभी कार्यालयों को रजिस्टर में अपनी उपस्थिति को चिन्हित करना आवश्यक होगा। ये थी पॉलिटिक्स की 10 बड़ी खबरें। इसी अंदाज में बिजनेस और कारोबार जगत की 10 बड़ी खबरें बिजनेस टॉप 10 में। यस बैंक संकट ने आज शेयर बाजार को घुटनों पर ला दिया। सेंसेक्स निफ्टी आज 6 महीने के निचले स्तर पर बंद हुए। बैंक निफ्टी भी आज 5 महीने के निचले स्तरों पर बंद हुआ। सेंसेक्स आज 894 पॉइंट गिरकर 37,577 पर बंद हुआ। निफ्टी 280 पॉइंट गिरकर 89 पर बंद हुआ और बैंक निफ्टी 1,014 पॉइंट गिरकर 27,801 पर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स भी 395 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। निफ्टी 11,000 के नीचे बंद हुआ। संकट से जूझ रहे यस बैंक पर पाबंदी लगाने के बाद रिजर्व बैंक ने आज उसका रिकंस्ट्रक्शन प्लान पेश किया। प्लान के तहत यस बैंक में SBI 49% तक का हिस्सा खरीदेगी। यस बैंक में कम से कम 6 सदस्यों को बोर्ड होगा। बैंक की ऑथोराइज्ड कैपिटल अब 5,000 करोड़ रुपए होगी। इक्विटी शेयरों की संख्या घटकर 2,400 करोड़ होंगे। शेयर कम से कम 10 रुपए के भाव पर जारी होंगे। नया निवेशक 3 साल तक हिस्सा 26% से नीचे नहीं लाएगा। 3 अप्रैल से पहले यस बैंक का रिकंस्ट्रक्शन पूरा होगा। कर्मचारियों की सैलरी 1 साल तक सुरक्षित होगी। यस बैंक संकट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने खाताधारकों को भरोसा दिलाया कि उनके पैसे बिल्कुल सुरक्षित हैं, ग्राहकों को कैश की कोई दिक्कत नहीं होगी। BIS assured me that the restructuring plan which is up now in RBI's website will come into play within the moratorium period, within 30 days that is. Deposits and liabilities will continue unaffected as before. I know there is this temporary capping, but we shall continue every deposit and the liability unaffected. Important again, employment and salary assured at least for 1 year. RBI गवर्नर शक्तिकांता दास ने यस बैंक संकट पर बैंक के खाताधारकों को कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। RBI अगले 30 दिनों में बैंक को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह फैसला बड़े स्तर पर लिया गया है, न कि व्यक्तिगत संस्था की तरह। सरकार का पहला लक्ष्य देश के वित्तीय सिस्टम को सुरक्षित रखना है। डिपॉजिटर्स के पैसे सुरक्षित हैं, उन्हें घबराने की कतई जरूरत नहीं है। The Reserve Bank has issued, has in fact issued 2 press statements, press briefs yesterday. They explain in detail the background of our decision.
And your question was how soon it will be done. It will be done very swiftly. It will be done very fast. 30 days which we have given is the outer limit. And you will see, you will see very swift action from the Reserve Bank of India to put in place, a scheme to revive the Yes Bank. और इससे पहले यस बैंक को संकट से उबारने के लिए आरबीआई ने कल शाम बैंक पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। इसके तहत ग्राहक बैंक से सिर्फ 50,000 रुपए नहीं निकाल पाएंगे। आरबीआई ने यस बैंक के बोर्ड को भी भंग कर अपने कब्जे में ले लिया है ताकि बैंक कस्टमर्स के हितों की रक्षा हो सके। आरबीआई के फैसले से ग्राहकों के बीच हड़कंप मच गया। आज जब बैंक खुला तो उसकी ब्रांच पर लंबी लंबी कतारें लग गई। आज दिन भर बैंक के ब्रांच से लेकर एटीएम पर अफरा तफरी का माहौल रहा। संकट की वजह से यस बैंक का शेयर आज 55% से ज्यादा टूट गया। देश के ज्यादातर दिग्गज बैंकरों के मुताबिक यस बैंक के लिए आरबीआई ने सही कदम उठाया है। एचडीएफसी बैंक के एमडी आदित्य पुरी ने जी बिजनेस एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, आरबीआई ने बैंक डिपॉजिटर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए सही फैसला लिया है। प्रॉब्लम तो आ गई थी, अब प्रॉब्लम को क्या सॉर्ट करना था। दो चीजें सबसे अहम रखती थी कि एक तो डिपॉजिटर को लॉस नहीं होना चाहिए, दूसरा सिस्टम में अननेसेसरी पैनिक नहीं आना चाहिए। एसबीआई के पूर्व एमडी प्रदीप चौधरी ने भी जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि यस बैंक को लेकर आरबीआई ने जो फैसला लिया है वो सबसे सही है। भाई इसके बिना और कोई उपाय नहीं है, आप सोचिए मत, दूसरा कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है मेरे विचार में। सारे करके देख लिए कि डिपॉजिटर को तसल्ली तब होगी जब वो बोर्ड में देखेगा कि यस बैंक के बदले स्टेट बैंक लग गया है। यस बैंक संकट के बाद महाराष्ट्र सरकार ने प्राइवेट बैंकों को तगड़ा झटका दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार के किसी भी विभाग का सैलरी अकाउंट प्राइवेट बैंक में नहीं होगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने ऐलान किया कि अब राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी अकाउंट सिर्फ सरकारी बैंकों में ही खुलेगा। साथ ही महाराष्ट्र सरकार के फंड अब सिर्फ सरकारी बैंकों में ही जमा होंगे। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को प्राइवेट बैंकों के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। कोरोना की चिंताओं से सोना नए शिखर पर पहुंच गया है। एमसीएक्स पर सोने ने 45,000 के स्तर को पर पहुंचकर नया रिकॉर्ड बनाया। एमसीएक्स पर हफ्ते भर में सोना 7.5% से ज्यादा बढ़ा है। 3 महीने में सोने ने 18% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1,675 के करीब पहुंच गया। कोरोना की वजह से सोने में सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ी है। साथ ही इक्विटी मार्केट में बिकवाली से सोने की ओर निवेशकों का रुझान बढ़ा है। ग्लोबल ग्रोथ की चिंताओं से भी सोने को सपोर्ट मिला है। सरकारी कंपनियों पर विवाद से विश्वास स्कीम के तहत टैक्स के मामलों के निपटारे का दबाव बनाया जाएगा। सी मीडिया को मिली जानकारी के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की ओर से सभी फील्ड यूनिट्स को इस बारे में सूचित कर दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार के अधीन कोई सरकारी कंपनी सेटलमेंट में रुचि नहीं ले रही है तो उसे सीबीडीटी को भेजा जाए। जो पीएसयूज राजी नहीं होंगे उनके मंत्रालयों से शिकायत की जाएगी। जहां करदाता के पक्ष में फैसला वहां 50% टैक्स और सरचार्ज लगेगा। जहां मामला लंबित है फैसला नहीं हुआ है वहां पर 100% टैक्स और सरचार्ज लगेगा। पेनल्टी के मामलों में पेनल्टी की रकम का 25% देकर निपटारा किया जाएगा। सरकार ने टीसीएस और डीएलएफ के स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के प्रस्तावों को मंजूर कर लिया है। कंपनियां हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आईटी सेक्टर के लिए एसई जेड बनाना चाहती हैं। टीसीएस ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में आईटी एसई जेड बनाने के लिए प्रस्ताव दिया है। यह सेज करीब 20 हेक्टेयर जमीन पर बनाया जाएगा जिसमें कुल खर्च 2400 करोड़ रुपए का आएगा। इसी तरह डीएलएफ ने 2 SEZ बनाने का प्रस्ताव दिया है जो हरियाणा में बनाए जाएंगे, जिन्हें 794 और 762 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 20 बड़ी अहम खबरों का फटाफट अंदाज। जमीन अधिग्रहण कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने बड़े फैसले में कहा है कि भूमि अधिग्रहण कानून के तहत वही अधिग्रहण प्रक्रिया रद्द होगी जहां सरकार ने 5 साल के अंदर न तो भूमि पर कब्जा किया न मुआवजा दिया। अगर 5 साल के अंदर जमीन पर कब्जा कर लिया
लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया या फिर मुआवजा दे दिया गया लेकिन पाँच साल में सरकार ने ज़मीन पर कब्जा नहीं लिया, इन दोनों ही सूरत में ज़मीन अधिग्रहण रद्द नहीं होगा। महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल महंगा होने जा रहा है। बजट में महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक रुपये अतिरिक्त सेस लगाने का प्रस्ताव दिया। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजीत पवार ने बजट भाषण में यह जानकारी दी। सेस में बढ़ोतरी से महाराष्ट्र सरकार को 1800 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी। लेकिन मुंबई, नागपुर और पुणे के लोगों के लिए अच्छी खबर है। महाराष्ट्र सरकार ने स्टैम्प ड्यूटी में 1% की कटौती का ऐलान किया है। अभी स्टैम्प ड्यूटी 6% लगती है। सरकार ने उन किसानों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की घोषणा भी की है जिन पर 2 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज है। निर्भया मामले में दोषी मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की है। मुकेश ने नए वकील के जरिए अपनी याचिका में आरोप लगाया कि उसकी पूर्व वकील वृंदा ग्रोवर ने उस पर दबाव डालकर उसकी क्यूरेटिव याचिका जल्द दाखिल करवाई है, जबकि याचिका दायर करने के लिए काफी समय बचा था, लिहाजा उसे फिर से क्यूरेटिव याचिका और दया याचिका दाखिल करने का मौका जुलाई 2021 तक दिया जाए। साथ ही वकील वृंदा ग्रोवर पर मुकेश के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और विश्वासघात करने की दफाओं के तहत मुकदमा चलाया जाए। याचिका पर 9 मार्च को सुनवाई हो सकती है। Realme ने भारतीय बाजार में नई Realme 6 सीरीज लॉन्च कर दी है। इस सीरीज के 2 स्मार्टफोन Realme 6 और 6 Pro को लॉन्च किया गया है। दोनों स्मार्टफोन 30 वॉट के चार्जर के साथ आएंगे। कंपनी का कहना है कि इन चार्जर से फोन की बैटरी 60 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगी। ये स्मार्टफोन भारत के नेविक नेविगेशन को सपोर्ट करेगा। कंपनी के मुताबिक स्मार्टफोन यूजर्स के गेमिंग एक्सपीरियंस को बेहतर भी करेगी। होली वाले दिन यानी 10 मार्च को दिल्ली NCR में मेट्रो की टाइमिंग में थोड़ा बदलाव किया गया है। दोपहर 2:30 बजे तक मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। इसमें एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी शामिल होगी। 2:30 बजे से मेट्रो सेवाएं रोजाना की तरह सामान्य रूप से चलेंगी। हालांकि इस दौरान मेट्रो फीडर बस सेवाएं नहीं चलेंगी, इसलिए यात्रियों को इस हिसाब से ही अपनी यात्रा प्लान करनी होगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।